हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बहुत सज धज के ये वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ और अभी है इवनिंग का टाइम और आज है लक्ष्मी पूजा। तो आप सोच रहे होंगे कि इतना सज धज के मैं किचन पे क्या कुक कर रही हूँ। तो आज मैं लक्ष्मी पूजा स्पेशल बंगाली स्पेशल खिचड़ी बना रही हूँ और मेरा कुकिंग लगभग हो ही गया है। लास्ट में अभी यहाँ पे मैं मूंग दाल, ग्रीन पीस, फूल गोभी, आलू से ऐसा मैंने खिचड़ी बनाया है और ये हो गया है। अभी जस्ट ये हो गया है और मैं फ्लेम को ऑफ कर रही हूँ। और इसके साथ खाने के लिए मैंने बनाया है मिक्स वेज। ये पूरा बंगाली थाली है, ये मिक्स वेज है जिसमें बहुत तरह के वेजिटेबल्स पड़ते हैं। और इसके साथ बनाया है मैंने टमाटर की चटनी और खीर भी बनाया है, वो बाद में दिखाती हूँ। और यहाँ पे कुछ जो बड़ा बैंगन होता है उसको स्लाइस करके रखा है, इसको सिर्फ नमक हल्दी से मैरिनेट करूँगी और बाद में खाने से पहले, डिनर करने से पहले फ्राई करूँगी। तो आज इतना सज धज के मैं कुकिंग करने के लिए इतना रेडी नहीं हुई हूँ। मैं रेडी हुई हूँ क्योंकि अभी हम थोड़ी देर के बाद बाहर जाने वाले हैं। तो जहाँ पे दुर्गा पूजा हुआ था, मैं आपको दिखाई थी, वहीं पे आज लक्ष्मी पूजा भी हो रहा है। तो हम इवनिंग पे अभी वहीं पे जा रहे हैं, इसीलिए मैंने कुकिंग बहुत जल्दी स्टार्ट कर दिया था डिनर के लिए। तो सब हो गया है, खिचड़ी भी बन गई है। जल्दी जल्दी डिनर आके सिर्फ बैंगन फ्राई करूंगी। मिष्टू हेलो, बैंगन फ्राई करूंगी और हम डिनर करेंगे। तो चलिए बैंगन को मैरिनेट करके रख देती हूँ, खिचड़ी को भी ढक देती हूँ। और इतना अच्छा खुशबू आ रहा है ना, पूरा दुर्गा मतलब पूजा का जो भोग लगाते हैं ना, वैसा भोग का स्मेल आ, खुशबू आ रहा है किचन से। तो चलिए फटाफट बैंगन को मैरिनेट कर लेती हूँ। कुछ नहीं, बैंगन को अच्छे से धो के रखी हूँ मैं। इसमें सिर्फ थोड़ा सॉल्ट दूंगी और थोड़ा सा हल्दी पाउडर और इसको अच्छे से हाथों से मिक्स करना है और इसको एकदम खाने से पहले ही फ्राई करती हूँ मैं, क्योंकि पहले फ्राई करने से नहीं, ठंडा होके पूरा श्रिंक हो जाता है, तब वो अच्छा नहीं लगता। तो चलिए ये ऐसे रहे, तब तक मैं खिचड़ी को भी ढक देती हूँ और कुकिंग पूरा कंप्लीट है और सब्जी को भी ढक देती हूँ, फिर हम निकलते हैं। तो फिर थोड़ी देर बाद आपसे मिलती हूँ। तो हम रेडी हैं, अभी हम जा रहे हैं और आज मैंने थोड़ा माला वाला लगाया है, थोड़ा रेडी हुई हूँ अच्छे से। और ये मेरा नया मास्क है और ये मेरा नया मास्क। और मिष्टू अपने बर्थडे का फ्रॉक पहनी है, वो सिर्फ उतना थोड़ी देर के लिए पहनी थी, इस बार तो पहनी नहीं। और मिष्टू को और मुझको दोनों को नया नया मास्क मिला है, ये मेरा मास्क, दोनों का ही ऑरेंज 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 और मेरा भी थोड़ा वाइट वाइट। तो चलिए चलते हैं, हम निकल गए हैं अपनी मंजिल की तरफ। और पूजा छोटा सा ये कैसा हो रहा है पता नहीं, जाएंगे तो पता चलेगा, लेकिन आज इतना उस उपलक्ष्य में सजने को सवरने को रेडी होने मिला ना, तो अच्छा लग रहा है ना बाबा। मिष्टू भी रेडी हुई है अच्छे से, खुद ही आज रेडी हुई है मिष्टू। मैंने सिर्फ कंघी करके दिया, बाकी सब मिष्टू खुद ही पहना दिया। हाँ, बाकी मिष्टू ने माला, चूड़ी, सब घड़ी सब खुद से पहना है। और अभी तो जस्ट और कुछ दिन है, उसके बाद दिवाली। कोजा कोड़ी लक्ष्मी पूजा हमारे वहाँ घर घर पे होता है, यहाँ पे भी जो बंगाली जो घर पे करते हैं, लेकिन जो संस्था दुर्गा पूजा की थी छोटा सा, मतलब हर साल बड़ा ही करती है, लास्ट ईयर बड़ा ही की थी, तो इस साल जहाँ पे हुआ था वहीं पे कोजा कोड़ी लक्ष्मी पूजा, लक्ष्मी लाए हैं, पूजा कर रहे हैं। तो वही सिस्टम है स्लॉट बुक करने का, जैसे दुर्गा पूजा के टाइम पे हमने किया था दशहरे के टाइम, तो वैसे ही स्लॉट बुक करके अभी हम जा रहे हैं। और उनका एक अलग ग्रुप भी है, तो उस ग्रुप में सब मैसेजेस या कब क्या पूजा होगा, कितना क्या टाइमिंग है, सब हमको वो भेजते हैं। तो उस हिसाब से हमें पता चला कि ये लक्ष्मी पूजा भी कर रहे हैं वो। अभी हम भी सदस्य हैं उस ग्रुप के, मैं और अनिरुद्ध भी ज्वाइन किए हैं उनको, उस ग्रुप को। तो चलिए अभी
पूजा के वहां चलते हैं और पता चलेगा हमको कि कैसा क्या हुआ है, तो फिर वहां जाके आपको दिखाती हूँ कि दुर्गा माँ तो आपके साथ शेयर की थी, लक्ष्मी माँ भी आपके साथ शेयर करती हूँ। इसमें है पूरी, खीर और मिठाई था वो हमने खा लिया, खीर है, पांच रकम का फ्राई है, लड्डू है। वही बैठे हैं थोड़ा, और वहाँ पे थोड़ा भीड़ है इसलिए हम यहाँ बैठे हैं। हमको डबल डबल फायदा हुआ, लक्ष्मी माता ने और एक स्वीट पैकेट मिला, आके ही दो दो प्रसाद मिल गया है ना। हाँ, इसको हम बाद में खोलेंगे। प्रसाद जैसा भी मिलता है तो अच्छा ही लगता है। प्रसाद खाना पूजा हो गया है, अभी हम बैठे थोड़ी देर और सबसे बातें हुई, सब बंगाली सदस्य बंगाली में बातें कर रहे हैं हम, और अभी हम घर की तरफ बढ़ रहे हैं, जाएंगे। और पूर्णिमा चल रहा है तो मैं आपको मून दिखाती हूँ। मून दिखाने से पहले मेरे मून को दिखाती हूँ। ये है अनिरुद्ध, अनिरुद्ध ने आज कुर्ता पहना है, और ये है मेरी शाइनिंग स्टार। मिष्टू और मिष्टू के पापा, तो चलिए घर की तरफ बढ़ते हैं और आपको मून दिखाती हूँ। मून बादल से ढका हुआ, इतना अच्छा लग रहा है ना देखने में। और ये है मून, बादल से पूरा ढका हुआ है, कितना अच्छा लग रहा है। पूर्णिमा है तो अभी लक्ष्मी पूजा होता है। मिष्टू यहाँ दौड़ो मत, यहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है इसलिए रोड ऐसा है, बहुत पत्थर है इधर। आप कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ, ये हमें मिला है। तुमको कैसा लगा आके? बहुत मजा आया। तुमको घर से निकल के ही मजा आता है? हम थोड़ा और घूमे। ठीक है, देखते हैं, पापा को पूछते हैं। चलो, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का कुछ काम हुआ है। तो हम अभी आ गए हैं हमारा होम स्वीट होम, बट अभी आने के बाद भी मिष्टू आज यहीं पे सोने वाली है, डिनर नहीं करेगी, उसको प्रसाद खा के पेट भर गया। और मेरे लिए अभी बेगुन भाजा वेट कर रहा है, उसको भाजूंगी, मतलब फ्राई करूंगी, फिर डिनर करूंगी। और पूरा थाली सर्व करके आपके साथ दिखाती हूँ अंदर जाके, चेंज वेंज करके हाथ मुंह धो के। और ये साड़ी पहना था मैंने आज, और ये कॉटन साड़ी है, कॉटन के ऊपर जरी वर्क किया हुआ है। जितने बार ये पहनती हूँ पुराना नहीं होता, और ये साड़ी जमशेदपुर से लिया था मैंने, और अच्छी भी लग रही हो। और मिष्टू में जब से पहनी है अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रही हो, ये खोल देती हूँ अभी, यहाँ पे कोई नहीं है। और पूरा लिपस्टिक ऐसे माला वाला लगाया था मैंने, लिपस्टिक फैल गया, मास्क पहनने से ना मेरा लिपस्टिक फैल जाता है, लाल मूंछ। तो चलिए अभी फैशन शो खत्म, अभी अंदर जाके काम करना है। आके फ्रेश होके हाथ पैर धोके डिस्टेंस करके मैंने बेगुन भाजा बिठा दिया है, तो जैसे मैरिनेट करके गई थी नमक और हल्दी से, और कुछ नहीं, थोड़ा सा पैन में तेल दिया है, और इसको ऐसे ही फ्राई करेंगे दोनों तरफ। बेगुन भाजा फ्राई हो गया है, और अभी हम फटाफट मैं पूरा डिनर सर्व करती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि आज पूरा होल जो प्लेट है मैंने क्या क्या बनाया है, और उसको आपके साथ शेयर करती हूँ। तो खाना डिनर सर्व कर दिया है, क्या क्या है मैं बताती हूँ। यहाँ पे ग्रीन पीस, फूलगोभी, आलू से एक मूंग दाल की खिचड़ी बनाया है, और आज पूरा वेज बनाया है।
यहाँ पे मिक्स वेज है, इसमें बहुत सारी सब्जियां हैं, बैगन भाजा मिष्टू का बहुत ही फेवरेट, और साइड में थोड़ा सा टमाटर की मीठी चटनी, ये चटनी मीठी चटनी है, और उसके साथ खीर और घी। खिचड़ी में वैसे तो मैंने कुकिंग के टाइम पे बहुत घी दिया है, पर जब आप गरम गरम खाते हैं तभी भी थोड़ा सा घी स्प्रेड करना है। तो और भी बहुत कुछ बनाने का मन था, लेकिन अभी बहुत रात हो गया है, हम आते आते रात हुआ, क्योंकि हम गए तभी भी लेट हुआ था। तो हम अभी फटाफट खा लेते हैं, और हमारा भी खीर सबका सर्व हो गया है, और खाके जब ये कुक कर रही थी ना और जब परोस रही थी अभी, तो जैसे हम लोग में दुर्गा पूजा या कोई भी पूजा होता है ना, तो जैसे भोग खाते हैं जैसा स्मेल है, जैसा कुकिंग के टाइम में पिष्टू भाई बोल रही थी, मम्मा लग रहा है कि हम लोग भोग कहीं पे भोग खा रहे हैं, स्पेशली खिचड़ी। तो टेस्ट मैंने तो अभी तक खिचड़ी टेस्ट नहीं किया, लेकिन अच्छा बना होगा देख के ही लग रहा है। अमृत ने थोड़ा सा खाया था, उन्होंने बोला अच्छा बना है, तो चलिए फटाफट खा लेते हैं, फिर आपसे बात करती हूँ खाने के बाद, क्योंकि भूख भी बहुत लगी है ना। चलो तुम शुरू करो। हाँ तो इसको खीर से चटनी से सब्जी से ऐसे मिक्स करके खाएंगे तो अच्छा लगता है, यू नो। तो डिनर कर लिया है, और जितने काम थे डिनर के बाद सब कुछ कर लिया है, और हम बेडरूम पे आ गए हैं, और अभी 11:30 बजा है, या 11:30 से भी ज्यादा बज गया है टाइम। और मिष्टू का एक दांत पूरा हिल के इतना ऐसे लटक गया है, फिर भी वो गिर नहीं रहा है, उसको खाने में 1 घंटा लग गया खाना, वो खा नहीं पा रही थी, एक से भी ज्यादा, मतलब खाने के लिए वो बैठी थी उसके साथ, और कुछ छोटे छोटे आलू, तो उसका पूरा दांत ऐसे हिल रहा था, बोल के वो खा नहीं पा रही थी, पूरा ऐसे लटक रहा है, बस एक धागा जैसा लटका हुआ है दांत, वो दिखेगा नहीं अभी इतना दूर से, तो इसलिए अभी स्लीपिंग टाइम है, हम बहुत थकी हूँ मैं भी सुबह से, काम नहीं गिरा और मिष्टू भी थकी है, और अभी तो बस सोने का टाइम है, और अभी बॉडी भी बोल रहा है चलो अभी इसको रेस्ट दो। तो चलिए आज इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और हमारा दिन अच्छा ही बीता आज, बहुत सारे फ्रेंड लोगों के साथ मिलना हुआ, उनसे बातें हुई सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके। तो अभी हम सो जाएंगे, हमारे डोरेमोन सो गई, हमारे डोरेमोन पिलो पे मिष्टू सो जाएगी, और हम भी सो जाएंगे, अभी लगभग 12:45 ऐसा हो गया होगा। तो चलिए आज इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्रिप्शन बटन के पास में जो बेल आइकन है उसको क्लिक कीजिए, जिससे कि मैं कभी भी नए वीडियोस डालूं उसके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आ जाए। तो अभी कोविड की वजह से ज़्यादा कुछ हमारा एक्टिविटी जो है वो थोड़ा घर के अंदर ही रहता है, तो मैं अगर थोड़ा भी कुछ हट के कुछ अलग करती हूँ तो वो आपके लिए शूट करती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि मेरे जितने भी व्यूअर्स है, जितने भी लोग मुझे देखते हैं, तो वो भी अगर मुझे देख के, या फिर मैं किसी पूजा में गई या कुछ एक्टिविटी कर रही हूँ, अगर मुझे देख के उनको थोड़ा भी अच्छा लगे तो मुझे भी अच्छा लगता है। तो आप वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको अच्छा लगता है, या आपको अच्छा लगता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हाँ हमको भी वो देख के अच्छा लगा, तो मुझे अच्छा लगेगा कि आपको मैं जो शेयर कर रही हूँ देख के आपको भी अच्छा लग रहा है। तो अभी मिष्टू के आंखों में नींद है, तो अभी बहुत कुछ बोलेगी, तो उससे पहले वो ज्यादा कुछ बोले उसे सुला देती हूँ, और चलिए इस वीडियो पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो पे। तो इसी तरह से छोटा छोटा जो भी हम करेंगे, जो हमको लगे कि हाँ स्पेशल है, वो हमको शेयर करना अच्छा लगेगा आपके साथ, तो मैं शेयर करूंगी, और फिर नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट। गुड नाइट बोल दो। गुड नाइट, बाय बाय। गुड नाइट, बाय बाय, बाय बाय।